अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हैकरों ने दुनिया के दिग्गज नेताओं, सेलिब्रिटीज, मशहूर कारोबारियों और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया है। बुधवार को हैकरों ने जिनके ट्विटर अकाउंट को हैक किया उनसे बिटकॉइन की मांग की। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बिटकॉइन और ये क्यों चर्चा में रहता है। असल में बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे सातोशी नाकामोटो ने 2008 में बनाया था। हालांकि आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि सातोशी नाकामोटो कौन है, कोई इंसान है या संस्था, कहां का है। इसे पहली बार 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। इसके कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। भारत में रिजर्व बैंक ने इसे मान्यता नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाजत दे दी है। यानी कि भारत में भी बिटकॉइन की खरीद फरोख्त हो सकती है। क्रिप्टो का मतलब ऐसी चीज जो रियल ना हो। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। ये सिर्फ इंटरनेट पर कंप्यूटर पर उपलब्ध होती है। ये एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती। डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पर चलने वाली एक वर्चुअल करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा दुनिया में सैकड़ों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद है, जैसे रेड कॉइन, सिया कॉइन, सिस कॉइन, वाइस कॉइन और मोनरो। क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफा काफ़ी अधिक होता है। ऑनलाइन खरीदारी से लेन देन आसान होता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इसलिए नोटबंदी व करेंसी के अवमूल्यन जैसी स्थितियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। साल 2009 में जब बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था तब उसकी वैल्यू $0 थी। 2010 में भी इसकी वैल्यू $1 तक नहीं पहुंची थी, लेकिन आज बिटकॉइन का रेट हजारों डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। बिटकॉइन के लेन देन का एक लेजर बनाया जाता है। दुनिया में लाखों व्यापारी भी बिटकॉइन से लेन देन करते हैं। हालांकि किसी भी केंद्रीय बैंक ने अभी इसको मान्यता नहीं दी है। अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियां भी बिटकॉइन को स्वीकार करती हैं। इंटरनेट की दुनिया में इसकी खरीद फरोख्त कराने वाले कई एक्सचेंज हैं। इंटरनेट की कई वेबसाइट और ऐप के आधार से इसकी खरीद फरोख्त होती है। इसमें खरीद फरोख्त करने वालों की जानकारी छुपी रहती है। क्रिप्टो करेंसी के कई फायदे भी हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डिजिटल करेंसी है, जिससे इसके गायब होने या चोरी होने का खतरा नहीं होता है। बिटकॉइन में निवेश से लोगों को भारी मुनाफा होता है, लेकिन इसमें काफी उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार एक ही दिन में बिटकॉइन बिना किसी चेतावनी के 40-50% गिर जाता है। 2013 के अप्रैल में बिटकॉइन की कीमत एक ही रात में 70% तक गिरकर $233 से $68 पर आ गई थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि यह वर्चुअल करेंसी है और यही इसे जोखिम भरा सौदा बनाता है। इस करेंसी का इस्तेमाल ड्रग सप्लाई और हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त जैसी अवैध कामों के लिए किया जाने का डर भी रहता है। इस पर साइबर हमले का खतरा भी हमेशा बना रहता है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए ओंकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।